और बड़ी खबर दिल्ली से ही, जहां पर LJPR की भी संसदीय दल की बैठक इस वक्त चलती हुई। चिराग पासवान की अध्यक्षता में ये बैठक इस वक्त LJPR संसदीय दल की चल रही है और चिराग पासवान की आवाज पर इस बैठक में कौन कौन से लोग मौजूद हैं जरा उसकी भी जानकारी आपको दे दें। तमाम जो उनके नव निर्वाचित सांसद हैं उन सब की मौजूदगी बताई जा रही है। वीणा देवी आपको नजर आ रही होंगी, राजेश वर्मा आपको नजर आ रहे होंगे, शांभवी चौधरी आपको नजर आ रही होंगी। ये वो तमाम चेहरे हैं जो इस बैठक में LJPR संसदीय दल की बैठक में इस वक्त मौजूद है और लगातार ये बैठक चल रही है। तो नई सरकार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जिसमें सरकार गठन से पहले तमाम जो सहयोगी दल हैं उन दलों के अंदर भी अपनी अपनी संसदीय दल की बैठक चल रही है और इस बैठक का एकमात्र जो एजेंडा है, हालांकि जब सांसदों से पूछा जाता है कि भाई आपकी तरफ से कोई शर्त है, आप इस मंत्रिमंडल में शामिल होने के इच्छुक हैं, आपको मंत्री पद की चाहत है, तो सीधे तौर पर यह कहा जाता है कि ये सब निर्णय जो है उनके अध्यक्ष की तरफ से तय किया जाएगा, उनकी तरफ से जो आदेश होगा उसी का पालन वो करेंगे। अभी हमें अपने क्षेत्र की जनता से जो जीत हासिल हुई है, जो साथ हासिल हुई है, उस पर खरा उतरना हमारी बड़ी प्राथमिकता है। सरकार से कोई मांग नहीं है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो सब कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, जो उनका डिमांड होगा वो सब हम सब। विशेष राज्य का दर्जा को लेकर बार बार मांग की जा रही है, क्या आप लोग हैं बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिले? बिहार में मिले इसके समर्थन में तो सभी लोग रहेगा, बिहार के भलाई तो हम लोग चाहेंगे क्योंकि बिहार के रहने वाले। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बैठक बुलाई है, सभी सांसद इसमें मौजूद होंगे और मुझे लगता है कि NDA की सरकार मजबूती से बने उसी के रिगार्डिंग ये बैठक है। पोलियो पर LJP अपना दावा करेगी। देखिए, हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट कहा है कि उनके एक्सपेक्टेशन किसी भी पोर्टफोलियो को लेकर नहीं है, उनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ मजबूती से ले और बिना किसी मांग के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के वो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी के साथ, और हम लोग सब हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी के निर्णय के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ मजबूती से। देखिए, दिल्ली में NDA संसदीय दल की बैठक इस वक्त 1 घंटे के बाद ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और वक्त इसका सुबह 11 बजे का पहले से ही निर्धारित है, जहां 1 घंटे के बाद ये बैठक शुरू होती हुई आपको नजर आएगी। और ये बैठक कहां होने वाली है, तो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बैठक होगी। सबसे पहले BJP संसदीय दल की ये बैठक और BJP की बैठक के बाद NDA संसदीय दल की बैठक भी बुलाई गई है, जिस बैठक में NDA संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे, नरेंद्र मोदी। BJP शासित राज्यों के सिर्फ मुख्यमंत्री को ही नहीं बुलाया गया इस बैठक में शामिल होने के लिए, बल्कि डिप्टी CM भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। NDA घटक